हेलो दोस्तों, तो क्या हाल है। जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया है, मैंने दो ही चीज़ों को ज़्यादा फेस किया है, प्लगइन एंड सैंपल। इसके लिए पूरी जो ऑडियंस है वो एकदम बावरी रहती है कि मेरे को वो सैंपल चाहिए, मेरे को वो चाहिए, या मेरे को वो प्लगइन चाहिए। लेकिन सबसे जो कॉमन फैक्टर होता है ना कि उसको सही से अरेंज आता है, तो उसके पास अगर 10 सैंपल भी हैं तो भी उनको वो अच्छे से मैनेज कर सकता है। और इसी सैंपल का मैं सलूशन लेके आ जाया हूँ, जो आपको FL Studio के डिफ़ॉल्ट में मिलता है, जिस प्लगइन का नाम होता है SliceX। अब SliceX करता क्या है कि जैसे कि आपका कोई भी सैंपल होता है तो उसको क्या करता है, वो टुकड़ों में कर देता है, यानी कि उसको वन शॉट में बदल देता है। बदलता क्या है उसके, यानी कि लूप को पार्टीशन कर देता है कि आपका ये सैंपल है, आपका ये वन शॉट बन गया, आपका वो वन शॉट बन गया। तो इससे क्या होता है कि जो थोड़ा सा आपका सैंपल का नीड होता है वो थोड़ा सा आपको कम लगता है कि नहीं अब इतने सैंपल में मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि हमको वन शॉट का भंडार मिल जाता है। जिससे क्या होता है कि थोड़ा सा FL Studio में काम करने में तो ऐसे भी आसान होता है, क्योंकि SliceX FL Studio के साथ ही आता है। और अगर आप अरेंजमेंट या मिक्स से कुछ आपका इशू है, आपका जो सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप बेझिझक मुझसे बात कर सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट है या आपका बेसिक कंप्लीट नहीं है तो आप मेरे से कांटेक्ट करके सीख सकते हैं, वो भी जो हो सकेगा प्राइस आपका मिनिमम से मिनिमम रहेगा। बस ये कि आपको टाइम देना पड़ेगा, एबव से एबव मान के लिए कि एबव 4 से 8 महीने इतने तो चाहिए आपको मिनिमम, क्योंकि अगर आप अरेंजमेंट से स्टार्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है कि इस केस में आपको टाइम तो वहाँ पर लगेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। तो सिंपली मैंने FL Studio खोल लिया, और मैं पहले आपको वो चीज़ें जो SliceX के द्वारा होती हैं, पहले मैं एक लूप लेता हूँ FL Studio का, जो हमको डिफ़ॉल्ट में बहुत सारे लूप मिल जाते हैं। जैसे कि ये मेरे पास एक लूप है जो FL Studio का डिफ़ॉल्ट है। अगर इसमें आप देखते हैं तो ये मार्कर बना हुआ है, ठीक है। अब ये मार्कर कैसे बनता है, इसके लिए वीडियो बहुत पहले ही आ चुका है। अगर आप चाहें तो जो हमारा लूप मेकिंग का सीरीज था उसमें आप ट्राई कर सकते हैं, आपको इसका डिटेल मिल जाएगा। तो मैं सिंपली इसको क्या करता हूँ, ओपन न्यू SliceX चैनल में कर देता हूँ। तो ऐसा करने से क्या हुआ कि ये जो मेरे सैंपल थे ये सब वन शॉट में हो गए, ठीक है। ऐसे में नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं पियानो रोल ओपन कर लेता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो सबका रीनेम वाइज यहाँ पे ये कन्वर्ट कर दिया है कि आपका ये वन शॉट है, स्नेयर है आपका, ये आपका ये किक है, फिर स्नेयर है, फिर हाई हैट है। बाकी उसी में कुछ थोड़ा सा लूप उसी के घूम फिर के हैं, तो ठीक है। फिर भी अगर आपके पास कम सैंपल है तो आपका इससे तो काफ़ी हद तक कुछ काम हो जाएगा। अब मान के चलो कि मैं दूसरा सैंपल ट्राई करता हूँ, इसको लेता हूँ न्यू SliceX में और दूसरे वाले पे जाता हूँ मैं। तो अब ये तो बात हुआ कि जब हमारे पास लूप होते हैं तब हम इसको मैनेज कर लेते हैं। अब मानो कि मेरे पास लूप इसमें कट मारकर पहले से ना हो, तो फिर मेरे को बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमको बनाना नहीं आता तो फिर तो दिक्कत होगा ना। तो उसका भी हमारे पास सलूशन है। जैसे कि मैं कोई सैंपल ऐसा लेता हूँ जिसमें ये मार्कर ना बने हों। अब जैसे कि ये मेरे पास एक सैंपल है, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, इसको मैं जब भेजता हूँ SliceX पे,
तो चलो मैं यही किक ले लेता हूँ। ठीक, तो मैं ये किक ले लेता हूँ क्योंकि ये डबल लेयर में है और मेरे हिसाब से स्लाइस एक्स पे ये भी फिट हो रहा है। ठीक है, तो कोई और सैंपल ट्राई करता हूँ। ठीक है, लगभग आपके जितने काश्मीर के लूप होते हैं वो सारे इसमें बहुत अच्छे से काम करेंगे। वन शॉट आपका बहुत आसानी से बन जाएगा। अब जैसे ये एक सैंपल मेरे पास है, मैं इसको भी स्लाइस एक्स में ले जाता हूँ तो ये भी वन शॉट बन गया। ठीक है, वो भी परफेक्टली। लेकिन अगर आप देख रहे होंगे तो थोड़ा सा ये हिला है, तो आप ये मार्कर को आप इधर उधर कर सकते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इससे ये होगा ना कि आपका जो मतलब सैंपल का इधर उधर हिल जाता है वो आपका एक मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे होगा, मतलब इधर उधर नहीं होगा अगर वो थोड़ा बहुत हिला हुआ है तो। अब यहाँ सिंपली से चाहो तो नाम में इसका नाम भी लिख सकते हो। सपोज मानो इसका नाम हैट है, तो मैं यहाँ पे हैट कर दूंगा तो यहाँ पे ये इसका नाम चेंज हो जाएगा। तो मतलब काफ़ी सारे ऐसे मतलब इसके यूजफुल टूल है जो हमारे काम में हमेशा आ सकते हैं सैम्पलिंग के दौरान, क्योंकि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो सैंपल का ही होता है कि मेरे पास फलाना सैंपल नहीं है या मेरे पास वो सैंपल नहीं है। और इसको मैं डिलीट करता हूँ, सारा डिलीट करके आपको दिखाता हूँ कि ये ऐड कैसे होता है। ठीक है, ठीक है, जितने काश्मीर के होते हैं उसको तो मैं अगर इसमें डालूँगा तो जाहिर सी बात है कि वो ऑटोमेटिक वन शॉट बन जाएंगे। और जो भी FL स्टूडियो का बना होगा मेरे हिसाब से शायद वो भी वन शॉट में कन्वर्ट हो जाए। चलो इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं ये क्या करता है। तो ये भी वन शॉट हो गया। ठीक है, लेकिन सिंपली मैं बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अब मुझे उस टाइप के सैंपल मिल नहीं रहे हैं जिस टाइप से मैं आपको समझा सकूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको एक जनरली आइडिया दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको एक प्लस का टूल दिख रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, अगर बड़ा हो जाएगा ठीक है, हो गया। और यहाँ पे आपको एक मिल जाता है प्लस का आइकॉन। ठीक है ना, जैसे अब मान के लो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करके रखा है, जैसे मैं प्लस पे करता हूँ तो ये एक मार्कर बन गया। ठीक है ना, सिंपली आप यहाँ से इस पर राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, क्लोन कर सकते हैं, और या यहाँ से इसके कुछ नाम वैसे लिखे हुए हैं यानी कि जो हमारे टेम्पलेट के नेम होते हैं आप उसको सिंपली उसका नाम भी दे सकते हैं। तो आपकी ये काफ़ी यूजफुल टूल है जो आपको FL स्टूडियो के स्टॉक में ही मिल जाता है, तो जो आपको सैम्पलिंग के दौरान मतलब बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिट दे सकता है। बाकी वीडियो काफ़ी टाइम बाद आया है तो उसके लिए इग्नोर करिए। बाकी ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी नीचे कमेंट करिएगा। अगर आपका कोई टॉपिक है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जनरली मैंने चैनल पे हर टाइप के वीडियो डाल दिए हैं और मुझे आइडिया नहीं आता कि मैं क्या डालूं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ें बता रखी हैं। अगर मैं वही चीज़ें अगर रिपीट करता हूं, तो वो चीज़ें सही नहीं लगती, इसलिए मैं कंटिन्यू वीडियो नहीं डाल पा रहा। तो अगर आपके मन में कोई सवाल है या आपके मन में कोई टॉपिक है तो आप नीचे बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।